समय न गवाते हुए मैं हमारे संस्थान के साथी सन श्री अखिलेंद्र जी आप भी आए इस पावन अवसर पे कुछ मिनट हम लोग के बीच अपना विचार रखें परम पूज्य और गुरुदेव जी, जी श्री सही सही जी, जी। की आज्ञा हुई है आज्ञा पलार्थ थोड़ी देर निवेदन, निवेदन प्रस्तुत है।, है मैं एक सहज चर्चा, चर्चा करना चाहता हूँ जिसकी जरूरत सबको सब है, है। किसी भी मतपंथ को मानते हो किसी भी संप्रदाय से जुड़े हो किसी भी देश में रहते हो और किसी भी जगह में रहते हो हर व्यक्ति को उसकी जरूरत है वह है प्रेम कहने में कितना सरल है प्रेम सदगुरु कबीर ने कहा है ढाई आखर प्रेम का मात्र ढाई अक्षरों से लिखा है प्रेम कह देने से सब कुछ नहीं हो जाता है बोलने में दो से तीन सेकंड लगता है बस स्पीड से बोलो तो प्रेम एक सेकंड में निकल गया लेकिन इस शब्द को जीवन में आचरित करने के लिए पूरी जिंदगी रगड़ डालो अगर सही तरीका नहीं आया तो जीवन खप जाएगा लेकिन हम प्रेम की परिभाषा को नहीं समझ पाएंगे एक छोटा बच्चा है उसको भी प्रेम समझना होगा प्रेम की परिभाषा को समझना होगा और एक देश के नेता है एक राष्ट्रपति है उनको भी प्रेम की परिभाषा समझना होगा बिना प्रेम के जिंदगी बेकार है बिना प्रेम के ध्यान बेकार है बिना प्रेम के सत्संग बेकार है बिना प्रेम के खाना बेकार है पीना बेकार है चलना उठना बैठना जो कुछ भी करना सब बेकार है प्रेम, प्रेम है तब ध्यान का महत्व तो है प्रेम है तब सत्संग का महत्व तो है प्रेम, प्रेम है तब दर्शन का महत्व तो है प्रेम है तब जीवन का महत्व तो है कुल मिलाकर के प्रेम नहीं तो सब बेकार प्रेम है तब भाई भाई है पुत्र पुत्र है पिता पिता है माँ माँ है बाप बाप है बच्चे बच्चे हैं प्रेम है तब पड़ोसी पड़ोसी है अब प्रेम है तब गुरु गुरु है और शिष्य शिष्य है प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं एक कथाकार है उन्होंने कहा है प्रेम जगत सार कछु सार नहीं प्रेम ही मुख्य है सार आप अच्छे शब्दों में नहीं बोल सकते चल सकता है लोगों को नहीं समझा सकते चल सकता है आप अच्छा व्यक्त नहीं कर सकते अच्छा व्याख्यान नहीं लिख सकते चल सकता है लेकिन बिना प्रेम के तो नहीं चल सकता जब प्रेम है तब कुरान बाइबल जिंदा महाभारत रामायण बीजक सारे चीज काम आएंगे प्रेम है तब गुरु काम आएंगे प्रेम है तब भाई का आएंगे, तब काम आएंगे प्रेम है तब मां परो, बाप काम आएंगे प्रेम है तब पड़ोसी काम आएंगे और प्रेम है तो जिसको हम अपना मानते हैं वो काम आएंगे और प्रेम करना नहीं आया प्रेम की परिभाषा नहीं सीख पाए तो जीवन में कुछ भी काम नहीं आएगा प्रेम गली अति जामे दो न समाए अब देखिए प्रेम की रास्ता कितना सकरा है प्रेम करना सीखना होगा प्रेम पाने की चाहना नहीं होनी चाहिए प्रेम देना है बस प्रकृति का नियम है जो दोगे वो लौट करके मिलता है प्रेम एक ऐसा माध्यम है जो कि हम हंसते हुए को रोते हुए को हम हंसा सकते हैं और खतरनाक चीज एक है कि प्रेम एक ऐसा माध्यम है जो कि खूंखार से खूंखार जानवर को अपने वश में कर सकते हैं मदारी जब खेल दिखाता है खिलाड़ी जब खेल दिखाता है सर्कस में तो आज भारत में खूंखार जानवर कौन सा है शेर चीता बाघ इनको भी अपने इशारे पर नचाता है प्रेम से कहता है बेटा तुम बैठ जाओ शेर जहां रहता है वहीं किसी व्यक्ति के ऊपर बैठ जाता है शरीर को नोचता नहीं है ये प्रेम की परिभाषा है दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रेम से आदमी ने खूंखार जानवर को तो अपने वश में किया प्रेम से आदमी ने खुंखार जैसे जहरीला जानवरों को भी अपने वश में किया सर्प जैसे जो मनुष्य को खा जाने वाले जानवरों को खा जाने वाले ऐसे जानवर को भी अपने वश में किया प्रेम से लेकिन अपने आप को अपने वश में नहीं कर पाए दुर्भाग्य की बात यह होती है दुर्भाग्य की बात होती है जिन परिवार के बीच में रहते हैं उन परिवार के लोगों को प्रेम नहीं दे पाते हैं घर के बुजुर्ग होते हैं घर के मुखिया होते हैं आए दिन बच्चों की शिकायत होती है मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे इतना शिकायतों का बाउंडर भरा होता है जीवन कठिन हो जाता है और जितना शिकायतों का बाउंडर हम भरते जाते हैं उतना ही अपने जीवन को हम दुखमय बनाते चले जाते हैं बहुत कठिन जीवन हो जाता है फिर प्रेम को समझना जीवन में आचरित करना जीवन बीत जाता है मैंने पहले ही कहा लेकिन हमारा अहंकार झुकता कहां है जानते हैं कि मैंने गलत किया घर का बुजुर्ग है घर का मुखिया है जानता है मैं गलत कर रहा हूं लेकिन अहंकार नहीं झुकने देता है उनका अहंकार ऐसे कि उनके ही बच्चे अपने ही मां बाप को नहीं बोल सकते पिताजी तुम गलत कर रहे हो वैसे घर के बच्चे भी होते हैं अहंकार पिता कहता है तुम गलत क्यों हो कहते हैं मैं नहीं किया हूं गलत अहंकार ने हमेशा समाज का परिवार का विनाश किया है अहंकार को महत्व तो नहीं देना है प्रेम को महत्व तो देना है हम कभी कभी उन बातों को बताना चाहते हैं जो हमारे जीवन में नहीं आता है कितना आता है कितना नहीं आता है हमको खुद टटोलना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रेम स्थापित तो हो पाया है कि नहीं हो पाया कि अहंकार की आग झक रही है कहीं अहंकार का दावा नल तो नहीं लगा है आए दिन शिकायत होती है माँ बाप की बच्चे, बच्चे बिगड़ गए हैं बच्चे, बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं परिवार के लोग कहा नहीं मानते हैं पड़ोसी ऐसे हैं ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं इतनी शिकायतें इतनी शिकायतें जीवन पूरा शिकायत से भरा रहता है एक आदमी एक रस्सी लेता है और रस्सी में रोज गांठ लगाता जाता है रोज गांठ लगाता है साल भर बाद देखता है उस रस्सी को लौटा करके तो तीन सौ लगी हुई है अब उस तीन सौ एक दिन में नहीं खुल जाएगी आप चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम का पदार्पण हो हम चाहते हैं कि एक बेदाग जीवन जिए इधर तो अहंकार की ज्वाला भभक रही है कैसे हो सकता है इधर तो अहंकार के गांठ ऊपर गांठ लगाते जाते हैं हम जीवन में प्रेम कहां से स्थापित हो सकता है जब हम जब एक पात्र में, में दूध भरा हो, 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 हो और उसमें हम घी डालना चाहे तो वह घी को पहले, पहले दूध को निकालना पड़ेगा नहीं तो घी नहीं, नहीं आ सकता नहीं है, है। दूध ही रहेगा यदि जीवन में अहंकार आ गया है तो फिर प्रेम नहीं आ सकता है मैं एक सहज चर्चा कर रहा हूं आप किस मत पंथ को मानते हैं किस संप्रदाय को मानते हैं किस गुरु से जुड़े हुए हैं ये आप जानिए लेकिन बिना प्रेम के जीवन में बदलाव नहीं हो सकता है मैंने शुरू ही कहा कि ये एक बच्चे को भी जरूरत है और एक बुजुर्ग को बुजुर्ग को भी ये जरूरत है प्रेम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे, वैसे वैसे हमारा जीवन मीठा होते जाना चाहिए आप इस बात को ध्यान दीजिए जैसे जैसे हमारी उम्र 20 साल 30, 40, 50, 60 साल बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे जीवन मीठा होते जाना चाहिए जीवन में तो और कटुता आती जाती है जीवन और कटु बनता चला जाता है लोग हमसे मिलने के बजाय हमसे दूर होते चले जाते हैं अपने ही बच्चे हैं अपने बच्चे हमसे मिलना नहीं चाहते हैं अपने ही मां बाप है हमारे अहंकार को देखते हैं उस बच्चे से मैं बात नहीं करूंगा अहंकार है अहंकार कैसा होता है हमारा अहंकार ये कहता है कि मैं जो कहता हूं वो सत्य है बाकी सब व्यर्थ है जीवन नहीं बदल सकता है आत्मीय बंधुओं जीवन बदलना है तो प्रेम के महत्व को समझिए हम जानते हैं कि मैं बात जो सत्य कह रहा हूं लेकिन पर भी उन बातों को परिवार के बीच में रखा जाए पर भी उन बातों को समाज के बीच में रखा जाए तो एक नया विचार पदार्पण होता है एक नए स्रोत मिलता है एक नए जीवन जीने का तरंग पैदा होता है एक नया हरियाली पैदा होता है घर में एक नया वातावरण छाता है लेकिन ये चीज नहीं हो तब हो पाता है तो जीवन नहीं बदल सकता है जीवन को बदलना है तो प्रेम को समझिए। जब तक प्रेम की परिभाषा नहीं समझेंगे साधना नहीं कर सकते आप किसी के पुत्र किसी नहीं हो सकते किसी, किसी माँगासी के, के माँ बाप नहीं हो सकते किसी के भाई नहीं हो सकते किसी के पड़ोसी नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास प्रेम नहीं है हमारे पास प्रेम नहीं है हम एक अहंकारी कहला सकते हैं साधक संत गुरु माँ बाप पुत्र नहीं कहला सकते हम क्योंकि हमने वो कैटेगरी छोड़ दी है हम एक नीचे स्तर की कैटेगरी पकड़े हैं और अहंकार तो सब करते हैं हम जिस मत पंथ को मानते हैं जिस माँ बाप से जुड़े हैं जिस गुरु से जुड़े हैं उसके प्रति अटूट श्रद्धा हो साथ साथ जीवन में हम कभी लौट करके तो देखे अपने आप को कभी निखार करके देखो देखे कि लोग मेरे से दूर हटते चले जाते हैं कि मेरे पास आते हैं मेरे ही बच्चे अपने से दूर क्यों जाते हैं मेरी ही माँ बाप मेरे ही भाई मेरे ही पड़ोसी के लोग मेरे से क्यों नहीं मिलना चाहते हैं आखिर कारण है। क्या है हमने अपने, अपने जीवन को कटु बना लिया है, भाई 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 है। पत्नी आपकी है लेकिन पत्नी तब तक पत्नी है जब तक आप प्रेम देते हैं बच्चे आपके हैं भाई आपके हैं माँ बाप आपके हैं पड़ोसी, पड़ोसी आपके, आपके हैं।, हैं लेकिन, लेकिन तब तक आपके, आपके हैं।, हैं जब तक आप प्रेम देते हैं मैंने बीच में उदाहरण दिया एक खूंखार जानवर को हम अपने वश में करते हैं कैसे वश में करते हैं मात्र प्रेम से इसलिए हम ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुख पंडित हो ढाई अक्षर प्रेम को समझ जाए तो जीवन में बहुत ज्यादा विद्वान होने की जरूरत नहीं है बहुत गुरु से मिलने की जरूरत नहीं है एक गुरु जीवन को तारने के लिए काफी होते हैं फिर बस ढाई आखर प्रेम की परिभाषा समझ जाए तो जीवन हम बदल सकते हैं बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं बोलिए सदगुरु देव की जय